हिंदी की शिक्षा में जो व्याकरण का टॉपिक था मैं पढ़ने से पहले करेंगे शब्दों का क्रम प्रयोग हो जाता है तब हम ये शब्दों को और उसी प्रकार से और सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले संज्ञा के आधार पर संज्ञा के वे फिर लिंग वचन कार्य और संज्ञा के साथ जो क्रिया है उसका संज्ञा के साथ क्या संबंध है वह पांच देंगे। अब दूसरा हमारे पास समानार्थी अवतार वो तो था संज्ञा के साथ अब है समानार्थ के आधार पर। अब सर्वनाम के आधार पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ये भी पांच प्रकार में होगा सर्वनाम के आधार पर बता सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद अब इसमें सभी को ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वनाम के भेद होते हैं। मैंने ये पहले तो वीडियो करवाया है उसमें तुम्हें बताया था और हमें पता है कि ये सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमें पता है कि इसमें प्रथम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष आया है या इसमें उत्तम पुरुष प्रथम भी कह सकते हैं उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष और अन्य पुरुष के पता करेंगे ज्यादा प्रतीत होगा उत्तम पुरुष मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें क्या कहेंगे जो बोलने वाले अपने लिए जिस शब्दों को प्रयोग के लिए हो गया उत्तम पुरुष और जो सामने वाले के लिए लेने वाला हो गया मध्यम पुरुष और जो किसी तीसरे अन्य के लिए काम के लिए वह हो गया अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से सर्वनाम के जो पुरुषवाचक के भेद है वो हम इसमें बता सकते हैं कि इसके भी तीन भेद होते हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं लेकिन सर्वनाम का जो पहला भेद है जैसे हम बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम उसमें भी तीन प्रकार होते हैं तो वो भी हमें बता देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसके साथ हमें बताना पड़ेगा कि उत्तम पुरुष है मध्य पुरुष है या अन्य पुरुष है जबकि मैं ये तो उसके भी नंबर करते हैं ये ध्यान में तो निश्चित रूप से लिखना चाहिए कि उत्तम पुरुष है मध्य पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो सर्वनाम के जो छह भेद हैं उसके आधार पर भी वर्गीकरण होगा जैसे हमने संज्ञा का किया था कि संज्ञा वो व्यक्तिवाचक समूह है और उसके जगह मैं आ गया तुम आ गया और तुम विद्यालय कब जाते हो तो तुम आ गया तो बताना है कि तुम क्या है संज्ञा है मतलब क्या है सर्वनाम है ये ध्यान रखना होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के भेद हैं उन्हें हमें अब इसमें भी बताना होगा कि कौन कौन से सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद है तो कौन कौन से भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम
कि उसके कितने बना दिए इसके पांच वेदना
अब हम इसका ये जवाब देते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए जो हम उदाहरण क्या लिखेंगे, हमें देखना है कि हम देखते हैं थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम क्या करेंगे उसमें आगे तो और उदाहरण के रिलेट करेंगे। वह विद्यालय जाता है, क्योंकि समझने के लिए पहले थोड़ा सरल करेंगे। आगे यहाँ पे वह इसके नीचे आ रहा है अंडरलाइन, तो इसमें क्या है रेखा के शब्द, इसमें हमें इसका बताना है क्या करना है इसका पद के नीचे। तो ये देखिए कि वह है तो वह ना तो बोलने वाला अपने लिए ले रहा है ना सामने वाले के लिए, इसके लिए ले रहा है कि इस तीसरे के लिए ले रहा है। तो कौन सा है ये सर्वनाम, सबसे पहले हम सर्वनाम में लिख देते हैं कौन सा है, पहले हम इसे कैसे करेंगे वह लिखोगे फिर इसके आगे इसे लगाओगे फिर करोगे पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आप इसके लिए ही इसका बताएंगे कौन सा पुरुष है अन्य पुरुष। ये इसमें बता देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, फिर वह विद्यालय जाता है इससे पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है कोई लड़के के लिए है, तो हम लिखेंगे फुल्ली। फुल्ली साथ क्या है एक वचन, फिर जाता है क्रिया का करता या करता वाला भी सबसे ज्यादा करता कारण, फिर जाता है क्रिया का करता, इस क्रिया के साथ जो संबंध बता दिया हो गए हमारे वही पाठ की सीखा ही लेते थे और हमने वही पाठ जो सर्वनाम के आधार पर पाठ में देखते थे कि कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा देखिए यदि इसमें हम और कोई उदाहरण लेना चाहें तो तुम खाना कब खाते हो, यहाँ देखिए ये आ गया तुम, ये क्या है ये सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर कब ये भी है लेकिन इसमें कौन सा है, इसमें फर्स्ट सन किया गया कब खाते हो, तो कहाँ जाते हो तुम खाना खाकर कहाँ जाते हो, इस प्रकार से यदि वो तो उसमें क्या देगा फर्स्ट सर्वनाम देगा, लेकिन इसमें किसी दूसरे के सामने वाले के लिए है तो तुम इसे संबंधित क्या किया है कौन सा देगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और साथ ही फिर मध्य पुरुष कौन सा देंगे पुरुषवाचक हो गया और फिर मध्य पुरुष हो गया,
और फिर इसी के अंदर खाते को तो इसमें वैल्यू क्या हो गया पुलिंग और एकवचन और कर्ता कारक है और खाते क्रिया का कर्ता भी है। तो इस प्रकार से हमने हमारे सर्वनाम के आधार पर किस प्रकार से सर्वनाम का पद परिचय बता सकते हैं। इसी आधार पर हम आगे देखेंगे विशेषण के आधार पर किस चीज का आधार पर होगा तो पद परिचय होगा तो क्या क्या है क्या होगा विशेषण के आधार किसका होगा विशेषण क्या होगा संज्ञा देखिए हमने प्रणाम दे दिया और प्रणाम माना इसके आधार पर विशेषण के आधार पर। अब देखिए विशेषण के आधार पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि विशेषण कहते किसे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो हमें ऐसे शब्द देखते हैं जो क्या कहेंगे विशेषता होता है तो उसके लिए विशेषण है उनका भी अपनी बात करना जरूरी होगा। तो वो कौन से विशेषण तो सबसे पहले देखिए विशेषण के आधार पर एक उत्तर होगा तो जिससे लिए क्या बहुत जैसे अच्छा बुरा काला जैसे उसकी अच्छाई भी है बुराई भी है उसकी श्रद्धा भी है स्थिति भी है तो वो गुण हो जाएंगे गुण भी हो जाएगा। एक होता है संख्या के आधार पर तो संख्या है उसकी भी दो भेद होती है निश्चित और अनिश्चित जो होगा उसमें संख्या होगी निश्चित और अनिश्चित के आधार पर जो तो जो निश्चित संख्या होगी तो निश्चित संख्या का निश्चित है और अनिश्चित संख्या होगी जैसे ये कहें कि तीन लोग खड़े हैं तो तीन व्यक्ति हैं तो तीन निश्चित होगी तो निश्चित संख्या होता है लेकिन कुछ लोग खड़े हैं तो क्या होता है अनिश्चित हो जाता है तो बड़ा होगा अनिश्चित संख्या होता है। एक होता है परिमाण जिसमें मात्रा ना होते हैं जैसे हम कहते हैं कि दो किलोग्राम किलोग्राम का उसके लिए क्या है दो लीटर तो दूध को किसके पीछे ना पता चलता है और दो किलोग्राम चावल चावल को भी कुछ चीजें नहीं होती और उसी के अनुसार जब निश्चित संख्या होगी तब तो वह क्या होगा निश्चित परिमाण और जब निश्चित नहीं होगी तो होगी फिर एक होता है सर्वनाम सर्वनाम होते हैं जब किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं विशेषता पता है किसी वस्तु साथ ही जैसे यह है यह बुरा काला है तो उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं तो वो होगा संकेत वाचक भी कह सकते हैं या सर्वनाम विशेषण भी कह सकते हैं। और एक भेद होता है व्यक्ति वाचक विशेषण अर्थात जो व्यक्ति वाचक संज्ञा होती है उसमें विशेषता साथ साथ विशेषता भी बताई जाती है जैसे ये कह रहे हैं कि जयपुर है जयपुर हमारे पास शहर है जयपुर हमारे पास संज्ञा है और मुझे संज्ञा ये निश्चित स्थान का नाम हो गया जयपुर तो ये हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन जयपुर के जब क्या होता है जयपुरी हो जाता है जयपुरी रजाई रजाई है हमारे पास ये भी संज्ञा है लेकिन ये कौन सी संज्ञा कैसे बताती है जयपुर की नौकर जयपुरी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और सर्वनाम के साथ ही उनकी जब इशारा करते हैं उसे संबंध बताते हैं हत्या करता है उसी से संदेह बताया जाता है कोई चीज हो सकती है तो विशेषण हुआ तो इस आधार पर हम क्या करेंगे विशेषण के जो भेद है उसके आधार पर भी करेंगे फिर उसमें भी हमें क्या देखना होगा लिंग है देखे होंगे और फिर उसके लिए कारक भी देखे होंगे और वो विशेष भी देखना होगा और उसके आधार पर भी हम क्या करेंगे इसके लिए बता रहे हैं। तो अब देखिए विशेषण
poate nu poate.
स्त्री, क्योंकि सामा के साथ है स्त्री है स्त्री और साथ ही एक वचन क्या है एक तो नहीं है दो वचन क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा ले ही है इसलिए है एक वचन ही देगा और फिर इसकी ये वचन यदि रसगुल्ले के आधार पर तो वचन हो जाता और फिर है कारना नहीं करेंगे साथ ही विशेषण की जाता ही नहीं विशेष क्या है इसके इसके विशेषता क्या है रसगुल्लों की तो रसगुल्ले विशेष का विशेषण विशेष का विशेषण क्योंकि उसके साथ मिल रहा है और फिर हम करेंगे इसकी अवस्था देखिए तो इसकी अवस्था है कौन सी मूल अवस्था है इसकी मूल अवस्था का निवारण किया गया है और साथ ही इसमें देखिए कि क्या था रसगुल्ले है उसका यदि अगर बताता है तो तब हम इसमें संज्ञा भी लिख सकते हैं और साथ में हम अन्य इसके जो है वो भी कर पाएंगे धन्यवाद।